We do we love! खबर ग्लोबल यूनिवर्सिटी में मामे खान की लाइव परफॉर्मेंस से युवा महोत्सव की शाम गुलजार हो गई मानसरोवर डेंटल कॉलेज कैंपस में लाखों की संख्या में उपस्थित युवा लोग सूफी और बॉलीवुड गायक मामे खान की प्रस्तुति के साथ राजस्थानी धुनों पर थिरकते नजर आए चौधरी ट्रैक की शुरुआत के साथ ही युवाओं के थिरकन तेज हो गई और सूफी फ्यूजन डेजर्ट रोज का भी युवाओं ने जमकर आनंद लिया संदेश तो यही है आ, फोक म्यूज़िक मैं यहाँ पर आ, गाने आया हूँ फोक सिंगर हूँ वैसे मैंने बहुत सारे बॉलीवुड फिल्मों में गाया है लेकिन वो वही फोक म्यूज़िक है उसके ज़रिए ही मैं कान फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है एंड ऑफ कोर्स आज मैं कुछ एक मेरा एक गाना है जो एक्सक्लूसिवी ओनली मानसरोवर जो हमारे यहाँ के भोपाल के ऑडियंस और यहाँ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं फ़र्स्ट टाइम लाइव गाऊँगा लागिर लगन जो मेरा यूट्यूबर कल मैं रिलीज कर रहा हूँ मामे खान का जो यूट्यूब चैनल है और इसके जो लिरिक्स लिखे हमारे इंदौर से कमल किशोर राजपूत साहब ने और शूट हमने राजस्थान में किया है दो लाइने में गा लेता हूँ <laughs> लागी रे लागी रे, लागी रे लगन से लागी लगन लागी रे लगन तुस लागी रे लगन पली पलट निहारे पल पल रवा निहारे अब घर आवो धो ला दी लगी रें लगी रें लगीरे लगन रे 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 लगन लागी लगन तो से लागी लगन युवाओं को संदेश चाहिए युवाओं को यह है कि आप चाहे कोई भी क्षेत्र में काम करें डोंट फॉरगेट योर रूट्स अपनी रूट्स के साथ रहिए जड़ है वो जोड़ती है तोड़ती नहीं है और एक लास्ट में कुछ पूरे हिंदुस्तान के लिए पूरी अयोध्या राजा दशरथ रामचंद्र अवतार लियो राम अवतार अवतारी लियो पूरी अयोध्या अवतार लियो राम अवतार लियो पूरी अयोध्या अवतार लियो चौधरी बिलकुल लेकिन ओ, चौधरी बहुत फेमस हुआ और मैं चाहता हूँ कि ये लागरी लगन को भी उतना ही प्यार हमारी ऑडियंस दे बहुत uh, सा uh, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है और इसमें जो हमारी मॉडल है तेजस्वी गौतम सीज वेरी ओडिसी डांसर दीपिका इसमें अंजलि चक्रवर्ती ने इसको डायरेक्ट किया है दो लाने चौधरी छुपना जाओ कराओ पवन सकल दिखावो जी तारी जरा रति सब जानू मैं चौधरी मर चले मनी पंगा जी मैं कह लगी मर ही बड़ में जागी धोकनी चंदा में तारी चांदनी दामन में बांधी कुसीरे रे झुम 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 बाजुम लागी रे लागी रे लागी रे लगन तो से लगन। युवा महोत्सव 2024 कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की चांसलर मंजुला तिवारी चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव तिवारी और डायरेक्टर दिशा तिवारी द्वारा किया गया इस दौरान मामे खान ने केसरिया बालम लाल पीली अखिया आवेरे हिचकी चौधरी जैसे मशहूर गानों की प्रस्तुति दी इस दौरान मामे खान ने अपने अपकमिंग गाने की जानकारी भी दी वहीं मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौरव तिवारी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर किया गया है आगे उन्होंने शिक्षा को लेकर अपने विचार रखे वहीं उन्होंने युवाओं को संदेश दिया और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी स्वामी विवेकानंद की एक जयंती पर हम लोग युवा महोत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं सुबह योग से शुरुआत करी फिर द्रुप गायन हुआ फिर आदरणीय चेतन जोशी जी का बाँसुरी वादन हुआ फिर एक मानव श्रृंखला बनाई जिसमें मैं भी विवेकानंद थीम था उसके बाद फिर पिछले तीन दिनों से कुछ कॉम्पिटिशन्स चल रहे थे उन कॉम्पिटिशन्स में हम लोगों ने कुछ कैश प्राइजेस लगे थे तो उनमें जो विजेता थे उनको हमने एक छोटे से कार्यक्रम करके पुरस्कृत किया और भारत भोपाल शहर के और प्रदेश के अन्य कोनों से कुछ ऐसे वक्ताओं को बुलाया था जिन्होंने विवेकानंद जी के चरित्र पर उनके व्यवहार पर उनके जीवन पर प्रकाश डाला और युवाओं को प्रोत्साहित किया इसके बाद अभी शाम को हम लोगों ने मामे खान जो कि एक बड़े आ, फेमस आ, ट्रेडिशनल सिंगर हैं राजस्थान की मंगनियार कम्युनिटी से आते हैं और उन्होंने भारत की संस्कृति को विश्व के पटल पर आ, प्रदर्शित किया है ऐसे मामे खान साहब का आज शाम को एक कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है आशा करता हूँ कि इस तरह से हर साल हम इसी इस हर्षोल्लास के साथ विवेकानंद जी की जयंती को मनाते रहेंगे मानसरोवर ग्रुप में हर साल कुछ ना कुछ नया नया तो होता ही है सर आपका एजुकेशन को लेके एक बहुत अलग विचार है मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था तो सर उस पर आपका क्या कहना है मुझे लगता है कि एजुकेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू क्लासरूम्स। आप अगर कक्षा के अंदर पढ़े हुए शब्दों को किताबों को और टीचर के डी लेक्चर को शिक्षा कहते हैं तो यह कम्प्लीट यह एजुकेशन मेरे हिसाब से नहीं है इनकम्प्लीट एजुकेशन है एजुकेशन में बहुत ज़रूरी है कि जो छात्र हमारे पास आ रहा है उसका व्यक्तित्व विकास इस तरह से हो कि वो मल्टीडिमेंशनली एक्टिव रहे वो कल्चर में भी एक्टिव रहे वो स्पोर्ट्स में भी एक्टिव रहे वो दूसरी गतिविधियाँ भी करें सामाजिक गतिविधियों के बारे में भी समझें तो हम लोग एक वाइब्रेंस एक जीवंतता अपने इस कैंपस में लाने की कोशिश करते हैं इसलिए लगातार हम कुछ ऐसे आयोजन करते हैं साल भर जिनके माध्यम से हम अलग अलग विषयों के बारे में बच्चों के बीच में विषय विशे विशेषज्ञों को बुला के चर्चा भी करते हैं और उसके अलावा आ, कुछ ऐसे आर्टिस्ट को भी बुलाते हैं जो कि अपने आर्ट फॉर्म को प्रदर्शित करके बच्चों में ऊर्जा बढ़ते हैं और उनको ये दिखाते हैं कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे मल्टीपल तरीके हो सकते हैं अच्छा सर जो अभी आज के युवा हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ तो शब्द मुझे लगता है आज के हमारे युवा मोटिवेटेड हैं और उनको दो शब्द या तीन शब्द से मोटिवेट नहीं किया जा सकता अगर किसी युवा में कुछ करने की चाह है और उसके अंतर्मन से आ रही है तो मैं यही कहूँगा कि तपिए तप करिए प्रयास करिए और जिस दिन आपको आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि आपको आगे बढ़ना है आपको अपनी मंजिल तक पहुँचना है उस दिन ज़रूर पहुँचेंगे इसमें मोटिवेशन का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है क्योंकि चिंता करनी पड़ती है चिंता करना ज़रूरी भी है चिंता करने में कोई बुराई नहीं है परंतु प्रयास करना बहुत आवश्यक है रिजल्ट, जैसे कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता ईश्वर करेंगे तो कर्म करिए फल की चिंता ईश्वर करेंगे जरूर करेंगे आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए प्रदेश तक के साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक इंस्टा ट्विटर पर और हाँ यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें